जय हिंद। आज मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम को समझाऊंगा। तो देखिए, गंगा रिवर सिस्टम को समझने से पहले आप ये जानिए कि गंगा रिवर सिस्टम कहेंगे किसको, यानी रिवर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, रिवर सिस्टम में कहा जाएगा कि किसी नदी का उत्पत्ति कैसे हुआ है और उसका विकास किस तरह से हुआ है, उसको कहते हैं रिवर सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम को समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है और सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। वह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और भारत के धरती पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि गंगा नदी का जल जो है वह सड़ता क्यों नहीं है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है, कौन सा वायरस पाया जाता है जिसके कारण उसका जल सड़ता ही नहीं है, उसमें भी एक बैक्टीरिया फेज नाम का वायरस पाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि गंगा नदी जो है वह कितने राज्यों से होकर बहती है, लगभग 5 राज्यों से होकर बहती है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 15 राज्य है जो गंगा नदी से फायदा लेते हैं, तो आज उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, आखिर उसका उद्गम होता है कि एक क्रम विकास होता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है, और कैसे नदी का विकास होता है, नदी का इतिहास क्या है, उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या होता है, उसके बारे में आज जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गंगा नदी के घाटी का विकास किस तरह से हुआ है। हम लोग ये भी देखेंगे कि गंगा जो निकलती है वह हिमाच्छादित चोटियों से निकलती है, वहाँ हिम क्यों है ये भी जरा देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि वह किस तरह का नदी है, पूर्ववर्ती नदी है कि क्या नदी है, नदी में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, तो उस नदी को देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि स्टेज क्या है। देखिए, नदी भी जन्म लेती है, वह युवावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है और एक वृद्धावस्था में आकर के मर भी जाती है। जैसे आदमी का 3 स्टेज होता है, वह एक समय बाल्यावस्था में होता है, फिर युवावस्था में आता है और उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ा होकर फिर मर जाता है। तो नदिया का भी ऐसे ही जन्म होता है और अंत में इसका अंत भी इसी तरह से होता है। आपको पता होगा कि भारत के अंदर में एक सरस्वती नदी भी बहती थी जो इलाहाबाद में, अब तो प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर जाकर के मिलती थी, तो वहाँ संगम बनता था। आज वह नदी कहीं नहीं है, आज घग्घर नदी और द्वादशी नदी के रूप में वह है। उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गंगा नदी का पूरा उद्गम और उसका जो अंत होता है कहाँ पे जाकर के, बंगाल के खाड़ी में। तो आज हम लोग उसके मुहाना को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि गंगा नदी जो है उसका भूवैज्ञानिक इतिहास क्या है। देखिए, गंगा नदी जिस जगह पे आप देखते हैं, यह उत्तराखंड से निकल करके धीरे धीरे यह उत्तराखंड और यूपी होते हुए वह बिहार में प्रवेश करती है, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए वह बांग्लादेश में पहुंच जाती है और उसके बाद बंगाल के खाड़ी में जाकर डेल्टा बना करके समाप्त हो जाती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि गंगा नदी क्या सदैव ऐसे ही बहती थी? नहीं, आज से लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले यहाँ पे एक टेथिस सागर था, यहाँ पे एक सागर था ऐसे इस तरह से, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक सागर बना हुआ था, उसको कहते हैं टेथिस सागर, उसका नाम था टेथिस सागर। और टेथिस सागर में हुआ क्या कि इधर से इंडियन प्लेट, आप जानते हैं कि एक प्लेट होता है जो बहुत भारी होता है और 100 किलोमीटर नीचे मोटाई है उसका और यह हजारों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, और एक प्लेट यूरेशियन प्लेट भी है। ये दो प्लेट है, जो दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं तो बीच में हिमालय उठ जाता है, और हिमालय जो पार्ट है वह टेथिस सागर का ही पार्ट है। और उस समय नदियां बहती थी, उस समय भी नदियां बहती थी, और उस समय बहुत सारी नदियां इसी टेथिस सागर में आकर के गिर जाती थी। लेकिन जब हिमालय ऊपर उठ गया, बहुत धीरे 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 ऊपर उठने लगा, तो क्या हुआ कि ये नदियां जो है ना, यह नदियां इस पहाड़ी को भी काटने लगी, तो काट काट करके वह आगे की ओर बढ़ती रही और हिमालय को काटती रही। हिमालय में 3 श्रेणी है, ये भी आपको पता है। पहला हिमाद्री है, जो सबसे उत्तर में है, यहाँ पे हिमाद्री इसको बोलते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि मिडिल हिमालय है, यानी मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक है, यानी 3 श्रेणी है। तो इस तीनों श्रेणी को काट करके नदियाँ जो है वह बहती रही आगे की ओर, और ये सारी नदियाँ जो है, आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि वह पूरब में नहीं बहती थी बल्कि पश्चिम की ओर जाती थी और इस क्षेत्र में जाकर के गिर जाती थी। जो गुजरात वाला क्षेत्र देख रहे हैं, उस समय गुजरात भी नहीं था, ये पूरा समुद्र का क्षेत्र था, वहीं पे जाकर के गिरती थी। लेकिन जब उत्थान हो गया हिमालय का, तब भी ऐसे बह रही थी। बाद में क्या हुआ
कि जब इस क्षेत्र में उत्थान हुआ, जो आप दिल्ली वाला क्षेत्र देखते हैं, अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये जब ऊपर उठ गया तो क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी दिशा बदल गई और इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो गई और धीरे 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 ये पूरब की ओर बहने बह करके बंगाल वाले क्षेत्र में गिरने लगा और यहाँ पे गिरते 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 बंगाल में भी बहुत सारा मिट्टियों का जमाव किया और उससे बंगाल बन गया और उसके बाद मिट्टी का जमाव करते करते आगे बढ़ गई और आगे जा करके वह बंगाल के खाड़ी में गिरने लगी। तो ऐसे हुआ। और इधर इस साइड में भी आप देखते हैं कि सिंधु नदी जो है और सतलज नदी वो पश्चिम की ओर बहती है, तो कुछ नदियां जो इधर से निकल के इधर आ रही थी और ये बीच का पार्ट जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और ये पूरा अरावली वाला जो क्षेत्र है जो ऊपर उठा, तो ये इधर की नदियां पश्चिम की तरफ ही बहने लगी। जैसे सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, ये सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और जाकर के अरब सागर में आकर के यहाँ गिर जाती है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है उस साइड में ऐसे 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 करके ऐसे बहने लगी और वह भी जाके बांग्लादेश के जरिए अब जाके गंगा में ही आके अंत में जाके मिल जाता है और जाकर के वह भी बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाता है, सुंदरबन का डेल्टा, वो बहुत बड़ा डेल्टा है। तो ये रहा पूरा उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इस नदी को क्या कहा जाता था उस जमाने में, इस नदी को कहा जाता है इंडो ब्रह्म नदी। हमने यहाँ लिख रखा है कि उसको उस जमाने में इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था जब आज से 600 से 700 करोड़ साल पहले, तो वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा है इंडो ब्रह्म नदी। उसी का अवशिष्ट पार्ट है ये सारे के सारे गंगा और आपका ये पूरा सिंधु नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर कोसी नदी, ये सब उसी का, घाघरा नदी, सब उसी का पार्ट है। साथ ही साथ आपको ये जानना चाहिए कि घाटी का निर्माण कैसे होता है या नदी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, नदी जो होता है ना, शुरू शुरू में किसी भी स्थल खंड पे वर्षा होती है, जब वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी तो वहाँ से क्या होगा कि जल का संचय जो है वह जल धीरे धीरे वहाँ से अलग हटना शुरू होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ, यहाँ पे बहुत वर्षा हुआ, तो क्या होगा कि यहाँ से जल सोता के रूप में आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जहाँ भी ढाल देखेगा उधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी भी अपने ग्रेविटी से खींचती है किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ, इसीलिए ऊपर का चीज़ नीचे आता है। तो जल भी जो है वह धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे की ओर होने लगेगा ढाल के अनुरूप, तो ढाल के अनुरूप बहना शुरू हो जाता है। नदी आखिर कहते किसको है? नदी कहा जाता है कि रनिंग वाटर इज कॉल्ड रिवर, यानी कि रिवर जो होता है ना वो बहते हुए जल को ही कहते हैं, जो उसका एक निश्चित दिशा होता है ना, इस तरह से उसका एक निश्चित मार्ग होता है और उसी मार्ग से वो बहते हुए चलती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ये जो वर्षा हुआ बहुत अधिक मात्रा में, वहाँ से छोटे 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 नाली के रूप में यहाँ से नदियाँ निकलती है, उसको बोलते हैं रिल्स, उसका नाम याद रखिएगा, रील्स बोलते हैं उसको। यही रील्स आगे चल के एक रील्स दूसरे रील्स में मिल जाएंगे, इस तरह से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक मोटा सा, एक बड़ा सा और गहरा सा और ज़्यादा वाटर वाला क्षेत्र बनेगा, ज़्यादा वाटर वाला एक पूरा का पूरा बनेगा, तो उसको बोलेंगे नाला, उसको कहते हैं नाला। अब यही नाला बाद में छोटी छोटी नदियों का उद्गम स्रोत हो जाता है, छोटी छोटी नदियाँ इसमें से बनेगी और उसके बाद बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाएगी, बड़ी बड़ी नदियाँ। तो इस तरह से होता है। अब जब नदियाँ बनेगी तो उसमें काटने की क्षमता बहुत होती है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि नदियाँ काटती बहुत ज़्यादा है। आपको हमने बताया था कि हिमालय के निर्माण से पहले ये नदियाँ बहती थी और हिमालय का निर्माण धीरे धीरे होता रहा और नदियाँ उसको काट काट करके आगे बढ़ती रही, और इसीलिए तो यहाँ पे घाटी मिलता है बहुत गहरा गहरा, बड़े बड़े गॉर्ज बना रखे हैं। सिंधु नदी का गॉर्ज है, गंगा ने भी गॉर्ज बना रखा है और ब्रह्मपुत्र ने भी गॉर्ज बना रखा है, बड़ी गहरी घाटी बनता है, उसको गॉर्ज कहते हैं। तो कोरबा गॉर्ज ब्रह्मपुत्र ने बना रखा है और सिंधु नदी का इंडस गॉर्ज है, इस तरह से बड़ा बड़ा गॉर्ज बना रखा है। गॉर्ज कैसे बन गए? वही जो हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा था और नदी भी काट रही थी, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। पहाड़ कह रहा था हम उठेंगे, नदी कह रहा था हम तुमको काट करके आगे जाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि हिमालय के उत्थान से पहले ही वो बहती थी, तो इसीलिए उसको कहते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पहले से बहने वाली, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी इसको कहेंगे एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन है, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और आपका कोसी, कोसी होगा, इस तरह की सारी नदियां जो है वह एंटीसीडेंट रिवर कहलाता है। और
आगे आप समझिए कि हमने यहाँ बताया कि रील्स बनेगा, उसके बाद नाला बनेगा, और नाला जो है वो छोटी नदी बनेगा, फिर बड़ा नदी बनेगा। बड़ा नदी कैसे बनता है? नदियों में काटने की क्षमता होती है, जैसे जैसे जल उसमें ज्यादा हो जाएगा उसमें कटने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो नदियां जो होती है ना, वो तीन तरह से काटती है। कैसे काटती है? एक तो नीचे की तरफ काटेगी, अपने तल को काटेगी, पानी से वो काटते जाएगी नीचे, उस गहरा गर्त बनाती चली जाएगी। इस तरह से वह नीचे काटेगी, उसको बोलते हैं नीचे, वर्टिकल इरोजन कहते हैं उसको। उसको कहते हैं अपरदन। अपरदन का मतलब होता है काटना, छाटना, काट करके कहीं और बहा के लेके चली जाती है बालू, बजरी, कंकड़ पत्थर को और कचरा को बहा के लेके जाती है, और जहां गिरेगी जैसे बंगाल के खाड़ी में, वहां पे जा करके उसको वो जमा कर देती है, तो उसको बोलते हैं अपरदन। अब अपरदन का काम नीचे भी होगा, तो नीचे होगा तो और ज्यादा गहरी होती जाएगी, और अगर दोनों साइड में होगा साइड साइड से, तो और ज्यादा चौड़ा होते चली जाएगी, और अगर वह आगे की ओर भी काटेगी, आगे भी तो काटेगी ना, यहां से है तो इसको आगे बढ़ना है तो उसको भी काटेगी, उसको बोलते हैं हेडवार्ड इरोजन, है ना, उसको बोलते हैं शीर्ष अपरदन। तो उसके द्वारा नदी जो है अपनी लंबाई बढ़ाती चली जाती है, लंबाई बढ़ाती चली जाती है। देख रहे हैं, गहराई बढ़ा रही है, चौड़ाई बढ़ा रही है, लंबाई बढ़ा रही है। इस तरह से गंगा नदी भी ऐसे ही उत्पत्ति हुआ होगा इंडो ब्रह्म नदी का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई। अब इतनी ऊंचाई बढ़ गई कि वहां पर तो बर्फ जमने लगेगा। आपको पता है कि प्रति 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वह कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ऊपर जाने से घनत्व तो कम हो जाता है, वायु का दबाव भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर वह जाने लगता है और उसका टेम्परेचर घटने लगता है। अपने आसपास जहां आप रहते हैं वहां टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसका कारण भी है। उसका सिंपल भाषा में समझिए कि आसपास में जब सूरज की किरणें आती है, सूरज का इंसुलेशन होता है, तो धीरे धीरे गर्मी होने लगता है। गर्मी जो है वो जमीन भी सोख लेती है थोड़ी मात्रा में। कुछ वृक्ष है, कुछ जमीन है, कुछ ईंट है, कुछ आप घर के बगल के दीवाल है, वो सब गर्मी को सोख लेता है, और उसके बाद धीरे 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 उसको रिलीज करता है, धीरे धीरे उसको छोड़ते भी जाएगा। तो वहाँ पे नीचे गर्मी ज़्यादा बना रहता है, और ऊपर इस तरह की कंडीशन तो है नहीं, तो ऊपर जो है वह धीरे धीरे तापमान घटते जाता है। तो इसीलिए ऊपर जैसे जैसे घटते जाएगा, तो आप जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ेंगे तो बहुत ठंडा बढ़ती जाती है। कभी कभी पहाड़ पे आप चढ़िएगा तो नाक से खून भी आने लगता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाता है और आपके शरीर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उससे भी खून आने लगता है। एवरेस्ट पर जब चढ़ते हैं लोग तो अपने साथ सिलेंडर लेकर के चलते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे पहाड़ी ऊपर की ओर जाएंगे ठंडा होंगे, और ठंडा होंगे तो क्या होगा कि जो वर्षा होगा वह बर्फ के रूप में होगा, बर्फ गिरेंगे उस पे, और बर्फ गिरेंगे उसका ढेर लग जाएगा, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर, उसको बोलते हैं हिम का पूरा पिंड, हिम का पूरा। और जब वही हिम जब पिघलता है नीचे से, जब नीचे से गर्मी लगेगा उसको तो पिघलेगा, और उसी पिघलने से नदी में जल आते रहेगा। नदी का घाटी पहले से बन के तैयार हो गया, अब वही जल जो है उस नदी में आते रहेगा, और नदी फ्लो करती रहेगी, नदी बहती रहेगी, लगातार उसको जल मिलता रहेगा। इस तरह से नदी में जल मिलता रहता है। अब आप गंगा रिवर सिस्टम को समझिए। गंगा रिवर में भी हिमानी से, यानी कि ग्लेशियर से उसमें जल आता है, तो उसको आप समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको समझिए। देखिए, गंगा नदी जो है ना, वो अकस्मात कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि छोटी छोटी नदियों से ही मिलकर गंगा बना हुआ है। देखिए कौन कौन सी नदी है। सबसे पहले आप उत्तराखंड में चले जाइए। उत्तराखंड में आप जाएंगे, वहां एक बद्रीनाथ जगह है, बद्रीनाथ जगह है, वहां पे एक हिमानी है, उसका नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी जो है, वहां से विष्णु गंगा नाम की एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी है विष्णु गंगा, वो निकल रही है, और वह आगे बढ़ती हुई आगे की ओर, देख रहे हैं ये निकल रही है उत्तर से और दक्षिण की ओर बढ़ रही है। तो दक्षिण की ओर बढ़ रही है, अब उधर से इधर आ रही है, अब आ रही है तो कैसे चल रही है वो, इधर उसका कौन सा साइड होगा बताइए, ऐसे चल रहा है, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दक्षिण की ओर, तो हमारा ये बाएं है, ये हमारा दाएं है, तो ये विष्णु गंगा का क्या क्षेत्र है, इधर बायां है और इधर आपका दायां है। ये आगे बढ़ेगी और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते धौली गंगा एक नदी आएगी, और वो धौली गंगा इसमें इसी में आकर के मिल जाएगी, और ये दोनों जहां पे मिल जाएंगे, जहां पे मिलन कर देंगे, उसी को कहेंगे प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग। प्रयाग माने मिलन स्थल, तो इसका नाम रख दिया गया विष्णु प्रयाग, क्योंकि इसका नाम ही था विष्णु गंगा, तो उसी के नाम पे कर दिया गया विष्णु प्रयाग। अब यह नदी जो है अपने नाम को खो देगी, न उसको धौली गंगा कहा जाएगा, न विष्णु गंगा कहा जाएगा, उसका एक अलग ही नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसका अलकनंदा नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा?
अलकनंदा, यहां पे हम लिख देते हैं अलकनंदा, इसका नाम है अलकनंदा। अब यहां से अलकनंदा शुरू हो गया, आगे की ओर बढ़ते 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 आगे जाएगी तो एक और नदी इसके, देख रहे हैं, इसके नदी के बाएं तरफ से आकर के यहां पे मिलेगा, उसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी। अब नंदाकिनी यहां पे मिल गया, लेकिन गहरी कौन है? गहरी जो होगी उसी को कहा जाएगा मेन स्ट्रीम, मेन वही नदी है। और जो इधर उधर से आ रही है, जो कम गहरी है, जिसमें कम जल है, उसको कहेंगे सहायक नदी है। तो सहायक नदी और मुख्य नदी में अंतर स्पष्ट किए रहिएगा। सहायक नदी जिसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और इसको कहेंगे ट्रिब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरी है। एक और शब्द आता है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी वितरणी का। ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? देखिए, एक ही नदी जब दो शाखा में बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। हम बताएंगे गंगा नदी में ही कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो जाता है। तो ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी है, जो छोटे छोटे हैं सब आकर के मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसका नाम गंगा नहीं है, ये तो अलकनंदा ही है। और अलकनंदा आगे बढ़ते 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 जब यहाँ पे पहुंचा तो नंदाकिनी मिला, तो यहीं पे बन जाता है नंद प्रयाग, क्योंकि नंदाकिनी नदी के मिलने से बना नंद प्रयाग। उसके बाद देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, क्योंकि यह गहरी है इसलिए आगे बढ़ती जा रही है अलकनंदा, उसके बाद पिंडार नदी आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। अब पिंडार नदी आकर के मिलेगा तो वहां पे कहलाएगा उसको कर्ण प्रयाग, यानी कि वह कर्ण प्रयाग हो गया। और उसके बाद और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे देख रहे हैं उसके इस नदी के दाएं तरफ से मंदाकिनी नदी निकल के आ रही है। और मंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से निकल के आ रही है। यहाँ पे एक जगह है केदारनाथ, वहीं से निकल के आ रही है। और वो जो मंदाकिनी है वो आकर के यहाँ पे मिल रही है तो वहां पे कहा जाएगा रुद्रप्रयाग, उस जगह को कहा जाएगा रुद्रप्रयाग। अब देख लीजिए, इसका नाम मंदाकिनी है, इसका नाम नंदाकिनी है, दोनों में अंतर स्पष्ट किए रहिएगा, नहीं तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर तो आप इसको कहिएगा मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी का जल लेकर के आगे बढ़ती है कौन सी नदी? इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती बढ़ते बढ़ते आगे जाती है तो आगे एक और नदी आकर के इसमें मिल जाएगा, जो आप इसको देख रहे हैं, इसका नाम है भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है? भागीरथी निकल रही है गंगोत्री हिमानी से। और वह किस जिला से होके आ रही है? तो उत्तरकाशी जिला से होके, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से होकर के वह नदी आती है और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यहीं पे ग्लेशियर का मुंह जो है वह गाय के मुंह के तरह बना हुआ है, गाय का मुंह के तरह। गाय का मुंह देखते हैं ना किस तरह से रहता है, इस तरह से गाय का मुंह रहता है, तो यहाँ भी एक गाय के मुंह की तरह बना, इसलिए उसको बोलते हैं गोमुख, उसको बोलते हैं गोमुख, गोमुख बोलते हैं। और यही गोमुख से निकल करके ये जो भागीरथी नदी है वह देव प्रयाग में आके अलकनंदा से जाके मिल जाती है, और तब यहाँ पे नामकरण हो जाता है आगे बढ़ने वाले स्ट्रीम का, आगे बढ़ने वाले पूरा का पूरा जो है जलीय जो ये क्षेत्र है, पूरा स्ट्रीम ये धारा, इसको बोलेंगे गंगा। अब यहाँ से नाम हुआ इसका गंगा, इसके पहले इसका नाम गंगा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में लोग इस नदी को, भागीरथी नदी को ही गंगा समझते हैं, इस नदी को गंगा समझते हैं, और देश के भी अधिकांश लोग इसी नदी को गंगा कहते हैं। तो आप भी इसको, आप इसको स्पष्ट किए रहिएगा कि गंगा तो नहीं है, इसका नाम भागीरथी है। अब देखिए भागीरथी में एक और नदी आकर के मिल रही है भिलंगना, ये भिलंगना नदी निकल रही है और यहाँ पे आकर के मिल रही है जहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है। देखिए इसके लिए बहुत विरोध हुआ था, टिहरी बांध काफी ऊंचा बांध बनाया गया है और इसीलिए इस बांध को जो बना रहे थे तो बहुत विरोध हुआ था, यहाँ से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, दूसरे जगह बसाया गया था। और यहाँ पे कभी भी हो सकता है कि भूकंपीय क्षेत्र है, अब जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, हो सकता है कभी भूकंप आ जाए और यह बांध टूटने का डर भी हो और इससे बहुत भयानक प्रलयंकारी तबाही मच सकता है, इसके लिए भी विरोध हो रहा था कि देखिए ऐसे क्षेत्र में आप इतने बड़े बांध बनाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। खैर ये आगे की बात है, जब भूकंप आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल इस बांध से फायदा ही हो रहा है। लेकिन गंगा नदी का जल भी कम हो गया है, जब आगे की ओर बढ़ेंगे गंगा तो उसमें जल की कमी होती जाती है, क्यों? इसी बांध बनाने के कारण।
वो होता क्या है कि जल का प्रवाह जब कमेगा तो गंगा नदी जो क्या करती है कि मैदानी क्षेत्र में जब जाएगी और इधर से बहुत सारी नदियां आकर के मिलेगी तो धीरे धीरे गाद का जमाव होगा। अब गाद को बहाने के लिए इसकी धारा को तेज करना पड़ेगा, लेकिन तेज धारा हो नहीं रही है तो इसके कारण गाद उसी के बेड में बैठ जाएंगे, उसी के तल में बैठेंगे और धीरे धीरे ऊंचा होते चला जाएगा गाद, गाद के कारण वो, और इसी कारण से बाढ़ आता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक इंजीनियर को लेकर के सर्वे करवाया था कि आखिर बाढ़ क्यों आता है उत्तर बिहार में, तो पता लगा कि गंगा में बहुत ज़्यादा गाद जमा हो जाता है और गाद जमा होने का कारण है यहाँ पे बांध बना दिया जाना टिहरी में। साथ ही साथ गंगा नदी का पानी भी पॉल्यूटेड हो गया है, अब उसमें स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। भले ही उसका पानी जल्दी सड़ता नहीं है, लेकिन आजकल डिस्कवरी चैनल में भी आ रहा था एक बार न्यूज कि उसका पानी अब खराब हो गया है और उसमें डुबकी लगाने से लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकते हैं। उसमें होता क्या है कि गंगा नदी में का पानी सड़ता क्यों नहीं है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि गंगा नदी का पानी आखिर सड़ता क्यों नहीं है, तो उसको जरा आप समझ लीजिए कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता है। उसके पीछे एक दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि गंगा नदी में एक बैक्टीरिया, ये एक वायरस रहता है, वायरस, उस वायरस का नाम है बैक्टीरिया फेज, उसका नाम है बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज का अर्थ ही होता है वो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, तो वह ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी उसको गंदा ही नहीं करने देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि पानी साफ रहती है, सड़ नहीं पाता है, गंदा नहीं हो पाता है, तो इसके कारण जो है पानी बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। इसीलिए हर पवित्र काम करने के लिए हिंदू धर्म में गंगा के जल का छिड़काव होता है और कुछ लोग पाप धोने भी चले जाते हैं। आपको पता होगा, अभी हम बताएंगे आपको कि प्रयागराज में जा करके लोग पाप धोने लगते हैं गंगा के घाटी में। कभी कुंभ का मेला भी लगता है 12-12 साल में एक बार, चार जगह कुंभ का मेला लगता है 12-12 साल में, एक प्रयागराज में भी लगता है जो गंगा के तट पे है। दूसरा कारण आपको बताते हैं कि पानी जो है वह सड़ता क्यों नहीं है। कहा जाता है कि जहां से यह सारी नदियां निकल रही है, आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में पॉल्यूशन न के बराबर है और यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा जगह है और ऐसे ऐसे बहुत सारे वृक्ष है इसके बेड में, जो कि बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी वाला वृक्ष सब है, और उससे होकर के जल आता है धीरे धीरे अलकनंदा में, इधर से आपका भागीरथी में, उसके बाद गंगा में प्रवेश करता है। तो उसके कारण भी, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी के कारण भी उस क्षेत्र में गंगा का जल जो है वह शुद्ध रहता है और वह सड़ नहीं पाता है। साथ ही साथ गंगा के जल में एक डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जिसको बोलते हैं DO, डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी घुलित ऑक्सीजन, उसकी मात्रा भी अच्छी खासी है। इसके कारण भी पानी सड़ नहीं पाता है, खराब नहीं होता है। आपको पता होगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होगा कि गंगा नदी में एक जीव रहता है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन बहुत ही बेहतरीन जीव है और वह मनुष्यों का दोस्त उसको माना जाता है, लेकिन आजकल डॉल्फिन की संख्या घट रही है क्योंकि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है और गंगा नदी में मतलब उसमें कहर मचा दिया जाता है, उसमें गंदगी इतनी मचा दी जाती है कानपुर से ही या कानपुर से थोड़ा पहले से ही कि पूरा का पूरा गंगा नदी एकदम पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उतना गंद नहीं मचाना चाहिए। गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, नमामि गंगे, ऐसे ऐसे योजनाएं चल रही है, लेकिन गंगा साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कोरोना के कारण जो है, जो लॉकडाउन लगा था उसमें गंगा बहुत हद तक साफ हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो गंदा हो गई। तो ऐसे ऐसे है। अब आपको याद करने के लिए आपको हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि कैसे याद किया जाए इस तरह के प्रयागों को, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रयाग से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है कि विष्णु प्रयाग को कैसे याद रखे, नंद प्रयाग को कैसे याद रखे, कर्ण प्रयाग को कैसे याद रखे, रुद्र प्रयाग को कैसे याद रखे और देव प्रयाग को कैसे याद रखे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है कि देखिए, विष्णु प्रयाग किसको कहेंगे, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। कहाँ पे? ये धौली गंगा है, यहाँ पे अलकनंदा है, तो अलकनंदा धौली गंगा मिल गया तो विष्णु प्रयाग हो गया। अब देखिए नंद प्रयाग कहाँ है, तो नंद प्रयाग में देख रहे अलकनंदा और नंदाकिनी, ये दोनों मिल गया तो हो गया नंद प्रयाग। उसके बाद देखिए कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार के मिलने से हो गया कर्ण प्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ती है तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से हो गया रुद्र प्रयाग। और यहाँ देव प्रयाग, भागीरथी और
अलकनंदा के मिलने से हो गया देवप्रयाग। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला है, देखिए विष्णु विष्णु भगवान है तो पहले पहले आप याद रखिए कि विष्णु जो है वह उसको क्या कहा जाता है, वह जग को चलाने वाले उसको कहा जाता है कि वो जग को चलाते हैं यानी विष्णु। तो विष्णु जो है विष्णु प्रयाग पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नंद प्रयाग। विष्णु जी ने क्या किया था कि कृष्ण का रूप लिया था, कृष्ण जी को बचपन में क्या कहा जाता था, नंद, यशोदा का नंद लाला। तो आपने ये सुना होगा गाना, तो नंद प्रयाग यानी विष्णु जी ने नंद का रूप धारण किया और तो नंद प्रयाग हो गया, और नंद के बाद वह कर्ण प्रयाग। अब देखिए महाभारत आपने देखा होगा उसमें कर्ण नाम के एक व्यक्ति होते हैं, कर्ण जो है वह कौरव के तरफ से लड़ता है, दुर्योधन का दोस्त होता है, लेकिन कृष्ण जो है वह कर्ण को जाकर के कहते हैं कि आप पांडव की तरफ से लड़िए क्योंकि आप जो है कुंती का पुत्र है, तो वो कर्ण के पास जाते हैं, तो यह कर्ण प्रयाग हो गया। कौन जाते हैं, कृष्ण, कृष्ण को बचपन में क्या कहा जाता था, नंद, तो कर्ण प्रयाग हो गया। और कर्ण जो है जब यह बात सुनता है कि हमको कृष्ण बोल रहे हैं कि आप जो है कि पांडव की तरफ से लड़िए, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और अपना रुद्र रूप यानी उसको कहा जाएगा कि वह बहुत ज्यादा गुस्सा में आता है, रौद्र क्रोध के रूप में आ जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है, तो उसको कहेंगे रुद्र प्रयाग। अब जब वह बहुत गुस्सा में है, रुद्र रूप धारण किया हुआ है, तो देवता हलचल मच जाता है, देवता जाकर के कहते हैं कि देखिए आप गुस्सा मत होइए, आप शांत हो जाइए, तो वो हो जाएगा देव प्रयाग। तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए, सबसे पहले जगत को चलाने वाले कौन थे, विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग के बाद विष्णु जी ने अवतार लिया किस चीज के लिए, कृष्ण का अवतार लिया, और कृष्ण को क्या कहा जाता बचपन में, नंद प्रयाग यानी नंद हो गए, तो नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद वह महाभारत में कर्ण को कहते हैं आप जो है पांडव की तरफ से लड़िए, तो कर्ण प्रयाग। कर्ण इतना बात सुनकर के बहुत गुस्से में आ जाता है, रुद्र रूप धारण कर लेता है, तो रुद्र प्रयाग। और उसके बाद देवता में हरकंप मच जाता है कि जाइए उनको मनाइए, वो बहुत गुस्से में है, तो वह आकर के मनाते हैं, तो देव प्रयाग। यानी कि पांचों प्रयाग आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को एक दो बार और रिवाइज करके देखिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ देव प्रयाग जो है, देव प्रयाग के बाद जो है वह गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार एक जगह आता है, वहां सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में उतरती है, इसके ऊपर जितने भी थे वो सब पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में कहा जाता है कि नदियां एकदम यंग रहती है, वो जवान रहती है। यहाँ पे जो गंगा है ये पूरा यंग अवस्था में है, उसका धारा तेज है ना, यहाँ पे जो पूरा है ये सब है, ये बहुत तेज गति से बहने वाली नदियां है, बह रही है तो यंग है, और जैसे ही मैदान में उतरेगी तो वह मैच्योर स्टेज में आ जाएगी, वह जो है वह एक तरह से मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाएगी। और मैच्योरिटी के बाद आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल में जब पहुंचती है तो बंगाल और बांग्लादेश में जहां डेल्टा बनाती है तो ओल्ड स्टेज में आ जाती है, तब उसका शक्ति और कम हो जाएगा, वहन करने की क्षमता और कम हो जाएगा, और अपने साथ जो कंकर पत्थर बालू बजरी कचरा वगैरह जो लेके जो चलती रहती है अपने साथ, ट्रांसपोर्ट करती रहती है, वह जाकर के वहां जमा कर देगी, और जमा कर देगी तो ढेर लग जाएगा उसका जब कचरा का, उसी को डेल्टा कहते हैं, वो आपको हम बताएंगे अभी। अब आपको हम एक पूरा का पूरा एक ड्रो करके आपको हम बता दें। देखिए गंगा जैसे ही मैदान में आती है तो वो हरिद्वार जगह होता है, हरिद्वार में वो सबसे पहले वह मैदान में उतरती है, और उसके ऊपर जो है वह पहाड़ी क्षेत्र में है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, बीपीएससी हो, नेट हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्र में उतरती है, तो हरिद्वार में उतरती है। उसके बाद हरिद्वार से जब वो आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते एक और नदी आकर के इसके बाएं तरफ से मिलती है, तो उसको बोलते हैं राम गंगा। ये उत्तराखंड से निकलती है और आकर के सबसे पहले आकर के गंगा में मिलती है, तो गंगा में मिलने वाला सबसे पहली नदी जो है वह है राम गंगा। तो इसको याद रखे रहिएगा, गंगा में मिलने वाली उसकी जो सहायक नदी है वो सबसे पहली, इसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये सारी नदियाँ जो है ये सब ट्रिब्यूटरी है। और इधर आपका देखेंगे यहाँ से इसका दो पार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पे अभी तक ट्रिब्यूटरी है ये सब, तो ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहली सहायक नदी है राम गंगा, जो कन्नौज में आकर के मिल जाती है, और यहीं से गंगा का प्रदूषण शुरू हो जाता है, यहीं से प्रदूषण होना शुरू हो जाता है गंगा में। और देखिए जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ेंगी, अब देखिए यहाँ से इसका धीरे धीरे जो डायरेक्शन है वह पूरब की तरफ हो गया है, यह दक्षिण और पूरब की तरफ है। तो पूरब, चूंकि पूरब में ढालू है जमीन,
और भारत का जो झुकाव है, आप जानते हैं कि भारत जो है वह पूरब की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, इसके कारण सारी नदियों का जल जो है पूरब की तरफ ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। तो इसके तरफ से जा रही है, अब इस साइड में चल रही है नदी, अगर आप भी इस साइड में चलेंगे तो आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो ऊपर से जितनी भी नदियां बह रही है सब बाएं से है, और नीचे से जितनी भी नदियां इसमें मिल रही है वो सब दाएं से मिल रही है। तो देखिए, दूसरा नदी जो है, जो पूरे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो है आप देख रहे हैं यमुना नदी। यमुना नदी बहुत लंबी नदी है जो गंगा में मिलती है, जो सबसे लंबी नदी कहा जाएगा इसको, यमुना का, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब देखिए, यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री वहाँ वहाँ से निकलती है, बंदरपूछ के आसपास वहाँ पे एक जगह है, वहाँ से वो निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है उसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि कौन सी नदी है जिसको कालिंदी नदी कहा जाता है, या कालिंदी नदी किस नदी को कहा गया है, तो यमुना नदी को कहा गया है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है यह यमुना नदी। और यह यमुना नदी जाके मिलती कहाँ है, प्रयागराज में। पहले इसी को इलाहाबाद कहा जाता था, अब वहाँ उत्तर प्रदेश के जो आपके साधु कहिए या उनको आप बाबा कहिए, बाबा मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, तो प्रयागराज में यह जाकर के मिल जाती है। और यहीं पे लगता है कुंभ का मेला, जो 12 साल में एक बार लगता है। एक मेला तो हरिद्वार में लग गया, और दूसरा मेला लग गया यहाँ पे आपको प्रयागराज में लगा। तो कुंभ का मेला चार जगह लगता है पूरे भारत में, एक तो हरिद्वार में लगा, दूसरा प्रयागराज में लगा, ये दोनों दोनों गंगा के किनारे ही लगा, और तीसरा लगता है छिपरा नदी के किनारे उज्जैन में, ये मध्य प्रदेश में है, और चौथा लगता है नासिक में, जो गोदावरी नदी के किनारे हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे लगता है 12-12 साल में एक बार। यहाँ बहुत पवित्र स्थान माना जाता है इसको, दूर दूर से लोग आते हैं, अब विदेशी लोग भी आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, आस्था का एक महामेला लगता है ये। तो कभी फुर्सत मिले तो जाइएगा, यहाँ लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से या छिपरा नदी या गोदावरी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसी ऐसी मान्यता है। अब आपको कितना मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप जब भी डुबकी लगाए तो कम से कम ये देख ले कि कितना प्रदूषण का स्तर है, तभी आपको मोक्ष शायद मिले, नहीं तो पता लगेगा कि प्रदूषण के कारण आप खुद ही बीमार पड़ गए। तो यमुना नदी को पहले समझ लीजिए, यमुना नदी में तीन नदी आकर के उसको मिलती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जान लेना यही पे जरूरी होगा। एक नदी चंबल नदी है, दूसरी नदी बेतवा नदी है, तीसरी नदी केन नदी है। ये चंबल नदी जो देख रहे हैं इंदौर से होकर के निकलती है और आकर के यमुना में मिल जाती है। दूसरा है बेतवा नदी, जो विंध्य पर्वत से निकलती है, आपको पता होगा विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकल करके यमुना में आके के मिल जाती है। और तीसरा केन नदी, जो कैमूर के पहाड़ी से निकल करके और जा करके यमुना में मिल जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है, चंबल बेतवा केन को, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, KBC। KBC तो याद ही रहेगा, के से केन, बी से आपका बेतवा, और सी से चंबल। चंबल के बारे में आप याद रखिएगा कि चंबल नदी जो है ना वह बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में एक बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है, वहाँ पे डाकू वगैरह पहले रहते थे, बिहार बना देती है वहाँ पे जो है ना, मैदानी क्षेत्र में इतना ऐसे लैंड बना देती है, उत्खात भूमि, ऊबर खाबर इतना रहता है, गड्ढा गड्ढी, कि वहाँ पे डाकू को छुपने का स्थान मिल जाता था, और वहाँ डाकू लोग पहले रहा करते थे। इस नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल भी रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी में है, तो चंबल नदी में है। अब देखिए आगे, जैसे जैसे प्रयागराज आया, प्रयागराज के बाद क्या होगा, ये आगे जैसे बढ़ेगी गंगा नदी, तो उसके बाद वहाँ पे गोमती नदी आकर के गाजीपुर में मिल जाएगी। और गोमती नदी भी देख रहे हैं, यह भी लेफ्ट साइड से आ रही है, और गोमती नदी वैसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। अभी तक जितनी भी नदी आप पढ़ रहे हैं तो सब पहाड़ी क्षेत्र से होके निकल रही थे, और ये जो गोमती नदी है वो पहली बार आपको देख रहे हैं कि वह मैदानी क्षेत्र से होके निकलती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है पहली सहायक नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से होके गुजरती है, निकलती है, उसको बोलते हैं गोमती नदी। अब गाजीपुर से जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, आगे छपरा एक जगह है, छपरा में घाघरा नदी आकर के इसमें मिलेगा, और
घाघरा नदी जो है वह भी नदी दो नदी के मिलने से बना है, एक है काली दूसरा है कर्णाली, ये सब नेपाल में है। ये नेपाल में जगह है काली कर्णाली, वहीं से आगे बढ़ते हुए जब दोनों मिल जाती है एक साथ तो वहां से इसको घाघरा कहा जाता है। हालांकि इस ट्रिब्यूटरी कर्णाली को भी घाघरा कहा जाता है, तो इसके नाम पे चूंकि घाघरा बहुत गहरी है, ज्यादा बड़ा क्षेत्र है उसका इनकैचमेंट एरिया, तो उसके कारण जो है वह घाघरा के नाम से जानी जाएगी, छपरा में आके गंगा से मिलेगी। उसके बाद गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक दाहिने से एक नदी आती है राइट साइड से, जिसको बोलते हैं सोन नदी, और सोन नदी जो है वह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और आपको पता होगा कि अमरकंटक जो है वह अभी मध्य प्रदेश में है, और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में जाके गिरती है। अब आप कहिएगा कि सारी नदियां तो पूरब की तरफ जा रही है, गंगा में की सहायक नदी है, गंगा भी पूरब की तरफ जा रही है, तो ये नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ क्यों जा रही है? तो आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि नर्मदा भ्रंश में बहती है, गड्ढा हो गया था जब बहुत ज़्यादा भू हलचल हुआ किसी ज़माने में, तो वहाँ पे गड्ढा बना और उस गड्ढे में ही वह नर्मदा नदी बहती चली गई, इसीलिए वह बंगाल के खाड़ी में नहीं गिर के वह अरब सागर में गिरती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नर्मदा के साथ साथ एक ताप्ती नदी भी है, वह भी सतपुरा के साइड में है, और वह भी नदी जाके अरब सागर में गिरती है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं गंगा के ट्रिब्यूटरी के, और गंगा की सहायक नदी और पूरा गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कैसे और क्या होता है। और सोन नदी जो है यह पटना के आसपास आकर के गंगा में मिल जाती है, और सोन नदी को सोन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी में सोना मिलता था। आज भी कहा जाता है कि इसके बालू में सोना होते हैं, उसके कण मिलते हैं, हालांकि इसको खोजना बहुत दुभर काम है, लेकिन इसका नाम सोना के कारण ही, सोना मिलने के कारण ही सोन नदी पड़ा है। उसके बाद देखिए पटना से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी जब छपरा में पहुंचती है तो वहां पर एक और नदी आकर के इसको बाएं तरफ से मिल जाता है, उसको बोलते हैं गंडक नदी, और गंडक भी जो है वह भी नेपाल की तरफ से आती है, और ये गंडक नदी भी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक सबसे कुख्यात नदी आकर के कुर्सेला के आसपास मिलेगा गंगा में, उसको बोलते हैं कोसी नदी, और कोसी नदी जो है वह सात नदी के मिलने से बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्त कोसी। सात छोटी छोटी नदियां मिलती है तब जाके एक बड़ी कोसी बनती है, और यह आके कुर्सेला में आकर के गंगा में मिल जाती है। और आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा कुख्यात नदी है यही कोसी नदी, यह अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसको कहा जाता है धोखेबाज नदी, या इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, बिहार के लिए शोक नदी कहा जाता है। यह लगातार अपना रास्ते को बदल लेती है, कभी इस साइड से बह रही है तो कभी इस साइड से बहने लगती है, कभी इस साइड से, यानी पश्चिम की तरफ जो है उसका बेड खिसकते जाता है। अब पश्चिम की तरफ क्यों खिसकता है, यह तो एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल कारण है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि यह बिहार का शोक नदी है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है आगे एक और नदी आके मिलती है बाएं तरफ से, उसको बोलते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकल रही है, दार्जिलिंग के पहाड़ी से। दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के आसपास, तो पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी। और महानंदा नदी जो है वह गंगा की अंतिम सहायक नदी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको भी याद रखिएगा, गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। अब उसके बाद नदी और आगे बढ़ती है, यहाँ पे उसका जो स्पीड है बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे गंगा का स्पीड मध्यम है, और इधर आते ही यहाँ से इसका स्पीड और कम हो गया, यहाँ से आते 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 हैं यहाँ तक तो इसका स्पीड और कम हो गया। स्पीड कम है इसीलिए तो इसके बेड में, इसके तल में बालू भर जाते हैं, और बालू भरने के कारण लगातार उसका तल ऊँचा होते जाता है। अब आप ही सोचिए कि बाहर से जो पानी आएगा वह पानी अगर गड्ढा होता तो नीचे चला जाता, लेकिन वह तो उथला हो गया तो वह पानी बाहर ही स्प्लैश कर जाती है, बाहर फैल जाती है और उसी से बाढ़ आ जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ आता है इस क्षेत्र की तुलना में। उसके बाद क्या होता है कि महानंदा नदी जब मिलती है उसके बाद वहीं पे एक फरक्का बैराज बनाया गया है जहां पे महानंदा नदी मिलती है, तो फरक्का बैराज को भी याद रखिएगा कहां पे बना हुआ है, यह महानंदा नदी जहां पे मिलती है उसी के बगल में एक फरक्का बैराज बनाया गया है। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी तो उसका दो पार्ट हो जाएगा। अब देखिए अभी तक आप ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, अब डिस्ट्रीब्यूटरी देखिए, इसका दो पार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पे इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि वितरिका, ये हो गया वितरिका, ये दो वितरिका में बट गई, एक हो गई
जो इधर से आ गया हुगली नदी जिसपे कोलकाता बसा हुआ है, कोलकाता शहर, और दूसरा है पद्मा नदी। यह बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, तो पद्मा हो जाता है। और जब यह पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो होता क्या है कि इसमें एक नदी आकर के मिलती है, उसको बोलते हैं जमुना नदी। तो पद्मा से आगे बढ़ने पर जमुना नदी मिलती है बांग्लादेश में, इंडिया की बात नहीं है। और जमुना नदी जो है वो दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। हमारे देश में यमुना अलग है, बांग्लादेश के लिए जमुना ब्रह्मपुत्र हो गया। हमारे लिए ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश के लिए जमुना है। हमारे लिए गंगा है, बांग्लादेश के लिए पद्मा है। तो पद्मा नदी और जमुना नदी जब दोनों मिलती है तो उसके बाद एक गहरी नदी आती है जिसका तल बड़ा ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा चौड़ाई में है, उसको बोलते हैं मेघना नदी। तो दोनों मिला, पद्मा नदी जमुना, तो दोनों मिलकर के हो गया मेघना नदी। और मेघना नदी आगे जा करके एक डेल्टा बनाएगी। डेल्टा मतलब क्या होता है कि जो अपने साथ ये गंगा नदी अपने साथ जो कचरा लेके जा रही है, कुछ ना कुछ तो लेके जा रही है ना। नदी जब निकलती है ना जहाँ से, वहाँ से वह बहुत पवित्र होती है। कहीं ना कहीं से नदी अगर निकली होगी तो आपको पता होगा कि हमने पहले ही बताया कि उद्गम स्थल कहाँ होगा, जहाँ वर्षा हुआ वहाँ से रिल्स बनेंगे, फिर वहाँ से गलीज बनेंगे जिसको बोलते हैं नाला, और उसके बाद छोटी नदियां बनेंगी, फिर बड़ी नदियां बन जाएगी। और अगर वह पहाड़ी क्षेत्र में है तो ग्लेशियर के द्वारा उसको जल लगातार मिलते रहेगा और उसका जल कभी खत्म नहीं होगा। बरसात हो चाहे गर्मी हो, उसका जल हमेशा बना रहेगा। इसी के कारण इसको पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां को बोलते हैं सदाबहार नदी, यानी कि वो लगातार चलती रहती है, लगातार बहती रहती है, सूखती नहीं है। और दक्षिण पठार की तरफ से जो नदियां निकलते हैं वह सूख जाते हैं एक मौसम विशेष में, गर्मी के ऋतु में, क्योंकि उनको बर्फ का पानी नहीं मिल पाता है, इसके कारण होता है। तो धीरे 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 आप देख रहे हैं, इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं और आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बसा लीजिए कि यहां से जो जितने भी गाद और कचरा गए हैं वो कहीं ना कहीं तो जमा होंगे ना, तो वह जाके समुद्र में जाकर के जमा कर देगी। और समुद्र में जहां जमा करेगी वहां कचरों का ढेर लग जाएगा, वह ढेर, उसी ढेर को कहते हैं डेल्टा, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है उसका कोई ना कोई नामकरण तो करना पड़ेगा ना, तो उसका नामकरण कर दिया गया है सुंदरबन का डेल्टा। ये सुंदरबन का डेल्टा क्यों नामकरण किया गया, क्या यह बहुत सुंदर है, क्या यह लिपस्टिक वगैरह लगा करके ये ब्यूटी पार्लर से होकर के जाती है क्या, इसीलिए यहाँ पे सुंदरबन हो गया? नहीं, ये ब्यूटी पार्लर से होकर नहीं जाती है। ये एक्चुअली जो है यहाँ पे एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उसका नाम है सुंदर वृक्ष, सुंदरी का वृक्ष है। तो सुंदरी वृक्ष की बहुतायता है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष जो होता है बड़ी कठोर वृक्ष होता है, उसका जड़ पानी में ही रहता है और वह नमकीन वाले क्षेत्र में ही उपज जाता है। और इसीलिए इस डेल्टा वाले क्षेत्र में वह वृक्ष की बहुतायता है, इसीलिए उसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको एक और नाम दिया जाता है चापाकार डेल्टा, डेल्टा इसका नाम है चापाकार डेल्टा। इसको एक और नाम दिया जाता है बढ़ने वाला डेल्टा, यानी कि यह लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लगातार गंगा नदी कचरे को लेकर यहाँ जमा कर रही है, और उसके साथ साथ जो जमुना नदी है यानी ब्रह्मपुत्र का कचरा वो भी आके बन रहा है। दोनों मिला करके बनता है सुंदरबन का डेल्टा, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। तो चापाकार डेल्टा या आगे बढ़ने वाला डेल्टा, इसको बोलते हैं अग्रवर्धी डेल्टा, इसको बोलते हैं अग्रवर्धी डेल्टा। यह दुनिया का सबसे गहरा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है और बहुत गहरा भी है, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष भी है और वहाँ जंगल है, इसीलिए वहाँ सुंदरबन का जंगल भी है। और उसी जंगल में रहता है भारत का राष्ट्रीय पशु जिसको कहा जाता है बाघ, जिसको बोला जाता है बंगाल टाइगर, वो वहीं पे पाए जाते हैं और उसी को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इस बात को भी आप याद रखे रहिएगा। तो इस चीज़ को आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अगर आपको और डिटेल में अगर आपको जानना होगा तो मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा तब मैं और डिटेल से इस पर बात करूंगा। अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा, और दोबारा आप इसको रिवाइज करके सुनिएगा तो मेरी बातों को और भी अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो इसके साथ ही हम इसको एंड करते हैं। जय हिंद।